दिवाली के दिन अपने घर की लाइटें उखाड़कर गरीब का आशियाना रोशन कर गए जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष पंकज परमार। 4.5 दशकों से एक गुफा में अंधेरी जिंदगी बसर कर रही विधवा बिंदुरू देवी की जिंदगी में जिला परिषद कुल्लू के चेयरमैन पंकज परमार दिवाली के दिन एक फरिश्ता बनकर आए और बिंदुरू देवी का घर आंगन रोशन कर दिया। पंकज परमार ने अपने घर के आंगन की सोलर लाइट उखाड़कर अपने कंधों पर उठाई और विधवा बिंदुरू देवी के आंगन में गाड़ दी। अब पंकज परमार की जिद है कि इस महिला को उसका हक दिलवाना है, ताकि दो विवाहिता बेटियों की करीब 58-60 वर्षीय विधवा माँ बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजार सके। इतना ही नहीं, दीपावली के दिन जब सभी अपने अपने घरों को रंग बिरंगी रंगोली तरह तरह की लाइटों से जगमगा रहे थे, तो उस वक्त पंकज परमार अपने सहयोगियों के साथ अपने कंधे पर सोलर लाइट के खंभे को उठाकर बिंदुरू देवी के आंगन को रोशन करने में जुटे थे। मामला आनी खंड की पहली पंचायत के तांदी कुटल गांव का है, जहां आजादी के 7.5 दशकों बाद भी एक विधवा महिला भूमिहीन है और गांव में कुछ दूरी पर एक बड़ी चट्टान की ओट में एक कमरा बनाकर पिछले 4 दशकों से रह रही है। ये मामला आनी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक किशोरी लाल सागर और पूर्व में 7 बार विधायक रह चुके कांग्रेस के ईश्वर दास के गृह क्षेत्र से संबंधित है। सिस्टम की खामी कहें या जनप्रतिनिधियों की नजरअंदाजी, लेकिन खामियाजा बिंदुरू देवी और उसके परिवार ने भुगता है। बिंदुरू देवी ने 4.5-5 दशक पहले क्षेत्र में काम करने वाले गढ़वाल या नेपाली मूल के युवक से विवाह रचाया, जिसके बाद उन्होंने इस चट्टान को ही अपना घर बना लिया, जहाँ बिंदुरू देवी ने 2 बेटियों को जन्म दिया। करीब 5 साल पहले इनके पति का देहांत हो गया, जबकि 2 बेटियों ने किसी तरह से विवाह रचाया। एक का विवाह लौट दुराहा क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी का करसोग खंड के पोखी में हुआ है। दोनों बेटियां अपनी मां का खर्च वहन करने का प्रयास करती हैं। बिंदुरू देवी के 2 भाई और 1 बहन भी हैं। एक भाई रची और दूसरा ठोहो गाँव में रहता है। बिंदुरू देवी कहती है कि दोनों गरीब है। बिंदुरू देवी ने गाय पाल रखी है और मजदूरी का दिहाड़ी कमाती है, जबकि कुछ गुजारा पेंशन से भी हो जाता है। लेकिन महिला मंडल प्रधान संगीता ने बताया कि इनका आशियाना अकेले में पहाड़ी की चट्टान के नीचे है, जो खतरनाक है। महिला को हर हाल में घर दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने विधायक किशोरीलाल सागर, मंत्री महेंद्र ठाकुर को भी अवगत करवा दिया था, लेकिन काम न हुआ। जबकि पहली गांव के मेले में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार के ध्यान में लाया और पंकज परमार ने वादा किया, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण लाइट सेक्शन न करवा पाए तो अपने घर की लाइट उखाड़ कर बिंदुरू देवी का घर रोशन कर अपना वादा पूरा किया। जैसे पली गांव में जाना हुआ पिछले 15-20 दिन पहले, तो मेरे नॉलेज में एक बात आई कि वहां पर एक बिंदुरू देवी नाम की कोई औरत है, कि वो ऐसे ऐसे एक गुफा में रहती है और पिछले 35 से 40 साल के बीच में वहां पर रह रही है। तो उसके बाद जब मैं उनसे मिला वहां पर, फिर मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं आपके घर आऊंगा, देखूंगा कि सच में ऐसा है। तो उसके बाद उनसे मिलने हम गए, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं महिला मंडल, उनसे भी बात की, तो पिछले 35-37 साल से वहां रह रहे हैं। तो उसके बाद उनसे बातें हुई जो उनकी समस्याएं थी, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो वहां पर उनके लिए लाइट का जो हम बंदोबस्त कर सकते थे, तो इस बारी हमने ये सोचा कि जो दिवाली है उनके साथ मनाएं। तो हमने एक अपने लेवल पे एक स्ट्रीट लाइट का अरेंजमेंट करके वहां पर गए और वहां पर उनके जहां पर वो रहते हैं वहां पर स्ट्रीट लाइट भी लगवाई और स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि से हमारी बात हुई है कि वहां के लिए जो गांव है जो रोड से कनेक्टेड नहीं है, तो वहां के लिए हमने रोड के लिए कहां तक हमारी फाइल पहुंची है, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस पर भी हमारी चर्चा हुई और उस पर हम काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां के लिए उस गांव के लिए हम रोड जल्दी पहुंचा सके। और बाकी उनके लिए जो वो महिला है उनके लिए अभी पंचायत में जो डॉक्यूमेंटेशन होनी है कि भी उनके लिए जो लैंडलाइंस है वो 2 विश्वजमीन सरकार की ओर से, तो अभी हम वो प्रपोजल लेके डीसी साहब के पास जाएंगे और जल्द से जल्द वहां उस गांव के लिए रोड के लिए भी और उनके लिए रहने के लिए हम घर का इंतजाम करेंगे। तो उनके लिए जो एक मकान मिलता है किसी योजना के साथ, जैसे इंदिरा आवास योजना या इस तरह से, तो उसके लिए भी आप प्रयासरत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इसी चीज के लिए, उनको घर के लिए
और जैसे उनके पास कोई जमीन है नहीं, पहले तो उनके लिए जो 2020 की स्कीम है पहले उनके नाम से हमने 2020 के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद अगले उसमें फिर उनके लिए घर के लिए हम अप्लाई करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए आने से जितेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।